अब हम आपको खौफ की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद यही कहेंगे कि प्रदेश में बजरी माफियाओं को रोकने वाला अब कोई नहीं है, ना सरकार ना पुलिस वाले। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि बजरी माफियाओं के आतंक को अब कोई नहीं रोक सकता। राजधानी जयपुर में बजरी माफियाओं ने एक शख्स को ट्रक से रौंद दिया। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो क्या हो गया अगर एक शख्स को ट्रक से रौंद दिया गया? तो क्या हुआ जो बजरी माफियाओं ने एक और शख्स के माथे पर ट्रक का चक्का चढ़ा दिया? तो क्या हो गया जो बजरी माफियाओं में खौफ नहीं रहा? तो क्या हुआ जो बजरी माफियाओं को प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है? तो क्या हुआ जो बजरी माफियाओं ने बजरी का अवैध कारोबार यूं ही करते रहेंगे? तो क्या हुआ जो बजरी माफियाओं के रास्ते में आने वाला हर शख्स मारा जाएगा, रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा, मारा जाएगा, खून कर दिया जाएगा, ट्रक के पहियों से उसका माथा मिट्टी में मिला दिया जाएगा? देखिए इन तस्वीरों को और खौफ खाइए कि आगे से आप बजरी माफियाओं के रास्ते में नहीं आएंगे। देखिए इन तस्वीरों को और कीजिए तौबा कि आप बजरी माफियाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं है, किसी कस्बे की नहीं है, किसी और शहर की नहीं है। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की है, करधनी थाना इलाके की है, जहाँ एक ट्रक ड्राइवर ने किशोर कुमार नाम के शख्स को ट्रक से रौंद दिया, उसे कुचल कर मार दिया। बताया जा रहा है कि कनकपुरा के गंगा विहार कॉलोनी के रहने वाले किशोर कुमार ने ट्रक को रुकवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने किशोर कुमार पर ही ट्रक चढ़ा दिया। किशोर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि सुबह सुबह बजरी से भरा ट्रक कॉलोनी में आया था और जब वो बजरी खाली कर वापस लौट रहा था तो किशोर सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की थी, तो ट्रक ड्राइवर ने किशोर सिंह की हत्या कर दी, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। कॉलोनी के लोग कहते हैं कि बजरी माफियाओं का आतंक फैला हुआ है, हर दिन अवैध तरीके से बजरी की सप्लाई की जाती है, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं करते। जब कोई मारा जाता है तो लाशें गिनने पहुंच जाते हैं या पुलिस वाले जैसे इस बार पहुंचे हैं कार्रवाई करने की बात कहते हैं। जरा आप भी सुन लीजिए साहब। डंपर से एक व्यक्ति किशोर सिंह की एक्सीडेंट में चोट लगी है तो उसमें उसकी डेथ हुई है। जिसमें एक्सीडेंट हुआ था उसमें ये खाली था और इसके कुचलने से ही उस व्यक्ति की किशोर सिंह की मृत्यु हुई है। हैरान मत होइए, परेशान मत होइए, इसे ही नीति मानिए, इसे ही नियत मानिए, इसे ही भाग्य मानिए, इन्हें ही विधाता मानिए और आवाज मत उठाइए, क्योंकि आवाज उठाने पर आपका भी ऐसा ही हश्र होगा जैसा किशोर सिंह का हुआ है, क्योंकि बजरी माफियाओं पर अब लगाम तो लगने से रहा। जयपुर से जी मीडिया के लिए शरद पुरोहित की रिपोर्ट।